जय श्री राम, जय सीताराम। आस्था का महापर्व छठी मैया का जो कार्तिक मास में प्रारंभ होता है, आस्था का महापर्व छठ बहुत जल्द आरंभ होने जा रहा है। जो छठ का पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना छठी और डूबते सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। चार दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिनाई और कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में यह पर्व विशेष तौर पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस व्रत का लाभ संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए माताएं करती हैं। और छठी मैया का पर्व छठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि से नहाए खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि छठ पूजा की तिथियां, अर्घ का समय और पारण समय क्या है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। नहाए खाए तिथि, छठ पूजा का यह महत्व जो है, महापर्व जो है, ये 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है। 17 नवंबर को इस दिन सूर्योदय पर 6 बजकर 45 मिनट से होगा, वही प्रारंभ हो जाएगा। वहीं सूर्यास्त शाम 5 बजकर 27 मिनट पे होगा। बता दें कि छठ पूजा की नहाए खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती को भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। जो व्रत रखता है पहले वो प्रसाद ग्रहण करता है। खरना क्या कहते हैं, खरना तिथि क्या है, इस पर जाने हम। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर वो है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6 बजकर 46 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 26 मिनट पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जला करके बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है, नमक निषेध माना गया है। संध्या अर्घ का समय और छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है, संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर के डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्य अस्त शाम 5 बजकर 26 मिनट पे होगा। इस दिन टोकरी में फलों का फल लेकर आएंगे, ठेकुआ लेकर आएंगे, चावल के लड्डू बनाकर लाएंगे आदि। अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी का तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। कमर में पानी जो होता है, कमर पानी, उसमें सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का
पारण का होता है। इस दिन जब हम अर्घ दे देते हैं उसके बाद पारण करते हैं। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य का अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्यदेव का जो समय है सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। माताएं बहनें जब पारण करती उस समय सिंदूर लगाती हैं, अपने लोगों को लगाती हैं, जो रिश्तेदार नातेदार उनके भी माथे पर सिंदूर लगाया जाता है, सबके मस्तक पर लगाती हैं, बड़े सौभाग्य से बड़े प्रेम से व्रत को खोलती हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।